नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक से पहले विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। 2024 में पीएम मोदी को हटाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसा कि अनुमान था, विपक्ष की इस कवायद में भी पलीता लग ही गया। और इस बार ये काम किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता से ज्यादा उनके लिए वो अध्यादेश मायने रखता है जो केंद्र सरकार ने बीते महीने पारित किया था। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र के अध्यादेश को लेकर एक बयान सामने आया, जिसमें पार्टी ने कहा कि जब तक कांग्रेस का स्टैंड अध्यादेश को लेकर साफ नहीं हो जाता, तब तक विपक्ष की किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। पार्टी ने आगे अपने बयान में कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है। उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी आगे कहती है कि कांग्रेस की चुप्पी उसके वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा करती है। व्यक्तिगत चर्चाओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अनौपचारिक या औपचारिक रूप से राज्यसभा में इस मुद्दे पर मतदान से दूर रह सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के मतदान से दूर रहने से बीजेपी को भारतीय लोकतंत्र पर अपने हमले को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। कांग्रेस के स्टैंड को लेकर आपने कहा है कि 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर इस बिल का विरोध करना होगा। विपक्ष की बैठक में कुल 17 पार्टियां आज शामिल हुई थी। आपके मुताबिक 17 में से 11 पार्टियों ने केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी आगे कहती है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या फिर मोदी सरकार के साथ। पार्टी के बयान में कहा गया कि काला अध्यादेश संविधान विरोधी, संघवाद विरोधी और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इसके अलावा ये मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का प्रयास करता है और न्यायपालिका का भी अपमान है। कांग्रेस की झिझक और टीम प्लेयर के रूप में काम करने से इनकार, विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपके लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस काले अध्यादेश की निंदा नहीं करती और घोषणा नहीं करती कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, तो आम आदमी पार्टी के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य की बैठकों में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा जहां पर कांग्रेस भागीदार है। और तकरार सिर्फ कांग्रेस से ही अरविंद केजरीवाल की नहीं हुई, बल्कि इस बैठक के दौरान उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को एक वक्त पर असहज कर दिया। केजरीवाल ने इस बैठक में कहा कि केंद्र के लाए अध्यादेश का हम विरोध कर रहे हैं और बाकी दलों को इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे ही केजरीवाल ने ये बात कही, तुरंत जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी इस बात पर एतराज जता दिया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी, तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। यानी कि अभी भी कई मुद्दों पर अभी भी कुछ ही बातें ऐसी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी हो या कुछ दूसरी पार्टियां हो, इनके बीच में मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं और इसी वजह से विपक्षी एकता अभी भी कुछ हवा हवाई ही नजर आ रही है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आज विपक्ष की इस महाबैठक के बाद आम आदमी पार्टी की जो ये तकरार विपक्ष की दूसरी पार्टियों से सामने आई है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।